देख रहे 24 लाख बच्चों का भविष्य खराब हुआ है, पूरा देश देख रहा है। ना ये युवाओं के हैं, ना ये किसानों के हैं, ना देश के अंदर जो आज रोजगार मांग रहे हैं, ना उनके जो अगर रोजगार की बात करते हैं तो पाकिस्तान जाने की बात करते हैं, 80-20 की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, फिलिस्तीन की झंडा जो लहरा रहा है, जो देश के अंदर उसको बाहर करेंगे, यही तो को बाहर करने जाकर देखो क्या हाल हो रहा है। किसी की साई का है कि गद्दारों का नहीं है, गद्दारों का नहीं है। देखो भाई, कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन, आराम आराम से, कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम बेटा आराम, तुम भी मेरे प्राण खा लो, आराम से आराम से आराम आराम से क्या, आराम से आराम से आराम से। हाँ जी, क्या हुआ क्या हुआ जी, आराम। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? बिहार में। कहाँ से? दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। दरभंगा से कैसे आना हुआ इधर? सर यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई? हाँ जी बोलो पढ़ाई। सर मैं इन भाजपा के नेता से पूछ रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता से पूछ रहे हैं। हाँ? इन्होंने बोला जो हम स्टूडेंट के भला करते हैं सर, जो चीज़ सर स्टूडेंट खरीद नहीं सकता है सर उस पर सर 3% GST, और जो हम पढ़ाई करते हैं उस पर 18% GST लोग ठोक के लेते हैं। तो ये सवाल इनका पूछा जी। मैं आया बिल्कुल जैसे की पूछ सके जी, बोलो। ये अभी युवा राहुल गांधी जी को बता रहे थे, बात सही कह रहे थे कि एक बार फेल हुए, दो बार फेल हुए, तीसरी बार भी फेल हो गए, उनको कोई दूसरा काम धंधा कर लेना चाहिए था। अब वो राजनीति के लिए नहीं है, ये जनता चाहती है। और युवाओं की बात करते हो तो तरीके से बात कर रहा हूँ, फिलिस्तीन का झंडा लहराने के हिंदुस्तान में बताओ ना, युवाओं की लड़ाई करते हो इनकी सरकार में। आराम से आराम से, कूल डाउन, कोई हल्ला मचाने की जरूरत नहीं। आपकी सरकार में, इनकी सरकार में कितने रोजगार दिए, इन्हीं की देन है साहब, ये इन्होंने ही बीज बोया है कि गरीब का बच्चा आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा, इनकी देन है। मैं भी इनकी सरकार में पैदा हुआ, इन्हीं की सरकार में दिया, और आज मेरी हालत का जो जिम्मेदार है ये है। ठीक ठीक, क्या हुआ क्या? अरे रुको, नहीं आराम से। हाँ जी बोलो। मैं कांग्रेस को जवाब देना चाहता हूँ, जो आप जो है जो 8,000 का टोपा जो दिया था ना, 8,000 का, 8,000 का क्या, 8,500 का जो टोपा दिया, खटाखट खटाखट खटाखट, प्लस प्लस राजपूतों की जो टिकट कटी है उससे गई है, ने उनको थोड़ा झटका दिया है उससे गई है, मत सोचो हमारे उससे गई है, राजपूतों ने दिया 8,500 का खटका जो खटाखट खट उससे हुआ है, और कोई वो नहीं है। मैं आज सोच रहा था, मैं आ रहा बेटा, आ गया आ गया, मैं आज, अरे रुको मैं आ रहा, मैं आ रहा मैं आ रहा, मैं क्या हुआ क्या, ठीक है मैं आता हूँ। मैं सोच रहा था कि आज राजनीति पे बात, रुकिए, राजनीति पे बात नहीं होगी, लेकिन हर चीज जो है राजनीति पे हिंदुस्तान में घूम के पहुंच जाती है, दो ही चीजों पे पहुंचती है, या तो क्रिकेट पे पहुंच जाएगी या राजनीति पे पहुंच जाएगी। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? मैं महाराजगंज से आया हूँ, मेरा नाम हरिओम पांडे है। कहाँ से आना हुआ? महाराजगंज से। महाराजगंज से, हाँ हाँ समझ गया, 56 जी। हमारे वहाँ के सांसद पंकज चौधरी हैं, प्रेजेंट टाइम में वित्त राज्य मंत्री हैं। हाँ जी। और मैं एक युवा स्वरोजगार योजना के तहत मैंने एक प्लांट लगाया हुआ था। हाँ। मुझे सरकार के द्वारा कोई सुविधा नहीं दिया गया, ना मुझे रोड दिया गया, ना मुझे बिजली दी गई, मुझे कुछ नहीं दिया गया। और जब मैंने प्लांट लगाया था तो मैं वहाँ 23 साल का लड़का, एक युवा उद्यमी था, मुझे कोई सुख सुविधा। अब क्या हुआ? अब वो प्लांट बंद पड़ गया है। तो अब क्या कर रहे हो? अब कुछ नहीं कर रहा हूँ, अब गवर्नमेंट वगैरह के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, वो सब बंद। ठीक जी, डन, बोलिए। देखिए प्रतीक जी, ये देश बहुत बड़ा है, और इस देश में जो पुरानी भी सरकारें रही हैं उन्होंने भी बहुत कुछ अच्छा करना चाहा, लेकिन कमियां रही होंगी। नीति और नियत जो होता है, अगर कुछ गड़बड़ी निकलता है उसमें आपकी नियत क्या है, गड़बड़ी को सुधार देना या मैनेज हो जाना, आपकी नीति और नियत स्पष्ट होनी चाहिए। इस सरकार की नीति स्पष्ट है, कोई भी भ्रष्टाचारी चाहे वो झारखंड का मिहिजाम में बैठा हुआ क्यों ना हो, चाहे नीट का क्यों ना हो, बचेगा नहीं, आज निकलेगा और जबरदस्त निकलेगा। और दूसरी बात, युवा ने कहा कि कोई कमियां रह गई उनकी मैं डॉक्यूमेंट भी लूंगा, आज ऑन एयर कहता हूं, अगर उनके साथ कुछ न्याय होने लायक रहेगा, इसी चैनल के माध्यम से कहता हूं, न्याय मैं दिलाऊंगा, यह जवाबदेही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, उस संस्कार से चलने वाला कार्यकर्ता। राइट, टेक योर पॉइंट।